दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू वेब सीरीज़ पिल की, जो कि रितेश देशमुख की डेब्यू वेब सीरीज़ है ओटीटी पर, जो अभी जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही है। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल चीज़ बताता हूँ, ओटीटी पे होता क्या है। ओटीटी पे क्या है, आजकल कभी भी कोई वेब सीरीज़ आती है उसके अंदर खूब गाली गलौज होता है, अश्लीलता होती है, सेक्सुअल होते हैं, एक्सप्लोटेशन होता है, हर चीज़ आपको ओटीटी पे परोसी जाती है। ऐसे में एक ऐसी वेब सीरीज़ आ रही है पिल, जिसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज का एक ख़ास तौर पर एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिससे हर घर का हर बंदा इफ़ेक्टेड है। मतलब पिल वेब सीरीज़ की जो स्टोरी है वो हमारे देश के हर एक नागरिक से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे देश का हर एक नागरिक दवाइयाँ खाता है, ठीक है। जब बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, कुछ भी हो, हम दवाइयाँ खाते हैं क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पर। बट क्या हो जब हमको पता चले इन कंपनीज़ में कितने स्कैम हो रहे हैं, और क्या हो जब हमको पता चले जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं नकली है, और क्या हो जब हमको पता चले जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं वो हमारे लीवर, किडनी, लंग्स सबको डैमेज कर रही है, और ये बहुत बड़ा स्कैम हमारे देश में न्यूज़ में आए दिन आता भी है। इसको आधार बनाकर ये पिल वेब सीरीज़ बनाई गई है, और इसमें देखो गाली गलौज तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन रितेश देशमुख का जो रोल है ना, मैं आपको कहता हूँ कि आपने आज तक रितेश देशमुख को इस अवतार में नहीं देखा होगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही शांत है लेकिन अंदर से अग्रेसिव है, अपने काम के लिए बहुत अग्रेसिव है, बहुत ही ईमानदार है, उसको पता है अपना काम, अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। इसके अंदर ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब आम आदमी भी उन मौक़ों पर गुस्सा कर ले, ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, बट ये जो किरदार है रितेश देशमुख का, उसका जो अपने ऊपर कंट्रोल है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखा। रितेश देशमुख और जियो सिनेमा ने इस वेब सीरीज़ को बनाकर ये तो साबित कर दिया है कि आप बिना गैंगवार, रोमांस और न्यूडिटी के अलावा भी एक बेहतरीन अच्छी वेब सीरीज़ बना सकते हो। रितेश देशमुख इसमें डॉक्टर प्रकाश के रोल में हैं, जो कि मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं, और वहाँ पर काम करते करते उनको फार्मा इंडस्ट्रीज़ के स्कैम्स और फ्रॉड के बारे में पता चलता है, और फिर वो मुहिम उठाते हैं इसका पर्दाफाश करने के लिए और लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने के बारे में। वैसे तो पिल वेब सीरीज़ में कई नेगेटिव किरदार हैं, लेकिन इनमें सबसे जो मेन है वो है पवन मल्होत्रा, जो कि एक फार्मा कंपनी के CEO के रोल में दिखाई देंगे। सभी की एक्टिंग बहुत ही शानदार है, चाहे वो नेगेटिव किरदार हो चाहे वो पॉजिटिव किरदार हो, और पूरे स्टिक टू द स्टोरी रहती है पिल की जो सीरीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि इस वेब सीरीज़ में सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्कैम ही दिखाया गया, इसमें इससे जुड़े हुए हर एक बंदे की एक पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई है, जैसे कि रितेश देशमुख का किरदार है, इसके साथ में जो इसके कलीग्स होते हैं उनका किरदार है, सभी की पर्सनल लाइफ में जो जो इशूज़ चल रहे होते हैं, घर में जो प्रॉब्लम होती है और ऊपर से ऑफिस की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, हर तरह से इसको एक कनेक्टेड करके पिल वेब सीरीज़ बनाई गई है। मतलब हर एक बंदा जानता है कि भाई मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे साथ में ये दिक्कत है, लेकिन बाहर मुझे ये चीज़ करनी है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, कि अपनी गृहस्थी को और अपनी ऑफिशियल लाइफ को कैसे मैनेज किया जाता है, वो इस वेब सीरीज़ में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि आदमी कैसे परेशान होता भी सारी चीज़ें मैनेज करता है और कैसे शांत भी रह सकता है इस चीज़ में। तो मुझे तो ये वेब सीरीज़ देखकर मज़ा आ गया, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की वेब सीरीज़ जो रियलिस्टिक हों, जो रियलिटी में हमारे आसपास में चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर बेस्ड हो, ऐसी होनी चाहिए, विदाउट न्यूडिटी, विदाउट गालियाँ, विदाउट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, बिना किसी गलत चीज़ को प्रमोट करे इस तरह की वेब सीरीज़ बननी चाहिए, मेरा ये कहना। अब लोगों को ये वेब सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आप IMDb रेटिंग के बारे में बात करो तो इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। आपको इसके 10 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, अगर आप मेरी तरह देखोगे तो आप 5-6 दिनों में इसके ख़त्म कर दोगे। तो अब ओवरऑल मुझसे पूछा जाए पिल के बारे में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ये वेब सीरीज़ आपका एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ एटलीस्ट आपको अवेयर भी करेगी कि हम कहाँ पर जाते हैं दवाई लेने के लिए, किन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कौन सी कंपनीज़ की दवाई खाते हैं, और वो क्यों लिखते हैं, ताकि इन चीज़ों के बारे में आप थोड़े से जागरूक रहो अपनी पर्सनल लाइफ में। तो मेरे ख्याल से ये वेब सीरीज़ देखना वर्थ। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वेब सीरीज़ को आप पूरे परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही शिद्दत के साथ में, साफ़ सुथरे कंटेंट के साथ में बनाई गई है। मतलब मुझे लगता है कि OTT पर ऐसी कोई वेब सीरीज़ है नहीं जो आप पूरे फैमिली के साथ में देख सकते हो, ये वेब सीरीज़ आप पूरे परिवार के साथ में देख सकते हो। तो इसको पूरे परिवार के साथ में एंजॉय कीजिए। अगर आपने इस वेब सीरीज़ को देख लिया है पिल को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।